हेलो नमस्ते सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानिस्तान 2.0 पर। सो गाइस, एक और अपडेट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो पर, जो कि है हर्ष बेनीवाल और प्रिया बेनीवाल के बारे में। सो गाइस, आपको बता दूं कि प्रिया बेनीवाल जो है वो हर्ष बेनीवाल की सिस्टर है और हाल ही में जो है अभी दोनों दुबई गए हुए थे फैमिली के साथ एक वेकेशन ट्रिप पर। और हुआ ये गाइस कि वो लोग गाड़ी में जा रहे थे और अपने व्लॉग में उन्होंने जो है मस्ती मजाक में जो है मोहित चिक्कारा के बारे में कुछ बोला और उसके बाद जो है उनको यूट्यूब में कॉमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा हेट मिला गाइस। तो वो क्या हेट मिला है गाइस, उसको आपको दिखाने से पहले मैं आपको वो छोटा सा वीडियो क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। दुबई की रोड है गाइस, दिल्ली की रोड है, हम दुबई नहीं आए। मुझे वो कितना 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 मेरे को ले लेगी, वॉच टाइम बढ़ाएगी, कितना कितने पैसे कमाएगी एक व्लॉग में, इतना नहीं। उसके बाद क्या करेगी, उसके बाद तो सोचा है हर व्लॉग में तेरे को लूंगी, हर व्लॉग में तेरे को लेगी, जैसे मोहित लेता है। मोहित ने पैसे थार लिए है, मैं भी ले लूंगा। उसने निंजा भी लिया, ये डालियो पता है हरामी हो। नहीं जस्ट किडिंग यार मोहित, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब तुझे ही पता है। अब गाइस, इस वीडियो के बाद हुआ ये कि मोहित चिक्कारा के जितने भी फैंस हैं उन्होंने जो है अपना रिएक्शन दिया कमेंट सेक्शन में। जैसे कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर गाइस कि सबसे पहले कमेंट में वो लिखते हैं मोहित चिक्कारा बहुत हार्डवर्किंग है, उसका चैनल उसके हार्डवर्क की वजह से है। फिर दूसरे पर लिखते हैं यू आर थिंकिंग दैट मोहित चिक्कारा इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ यू, मोहित चिक्कारा इज हेयर बिकॉज ऑफ हिज रियल टैलेंट, ही इज मच बेटर देन यू, हिज व्लॉग्स आर मच बेटर देन योर व्लॉग। फिर उसके बाद लिखते हैं मोहित एंड पूरा वार एज पॉपुलर एज हर्ष। तो गाइस, इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए जो है उसके बाद मोहित चिक्कारा को खुद ऑनलाइन आना पड़ा और उन्होंने जो है अपना रिएक्शन दिया। उसमें वो लिखते हैं हेलो दोस्तों, हम भाई बहन हैं और ये हंसी मजाक चलता रहता है, टेंशन मत लिया करो, साथ हैं और साथ ही रहेंगे, खुश रहो। फिर इसी कमेंट के ऊपर जो है गाइस प्रिया बेनीवाल ने अपना रिएक्शन देते हुए लिखा थैंक गॉड यू केम योरसेल्फ, आई विश लोगों को थोड़ा ह्यूमर समझ आता बट आई लव यू मामा। फिर उसके बाद इस कमेंट के ऊपर जो है मोहित चिक्कारा ने अपना रिएक्शन देते हुए लिखा अरे मैंने भी पढ़े कमेंट्स, व्लॉग तो मेरे सामने ही एडिट हुआ था। तो गाइस, इस कमेंट्स के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली इन लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रेंडली हंसी मजाक था और ऑडियंस ने जो है इस चीज को थोड़ा गलत तरीके से सीरियसली ले लिया। वेल एनीवेज गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरी अपडेट की और मैं बात करने वाला हूँ कैरी मिनाती के बारे में। सो गाइस, कैरी मिनाती जो है आपको पता होगा कि काफी टाइम से वो बता रहे हैं कि वो किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उनकी नई वीडियो जो है काफी जल्दी आने वाली है। सो इस नए वीडियो से रिलेटेड जो है कैरी मिनाती का भी एक लेटेस्ट रिएक्शन आया है गाइस, मैं आपको इस पूरे स्ट्रीम में से एक छोटा सा वीडियो क्लिप प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप भी देखिए उनका रिएक्शन गाइस। दिन रात सब भूल रखे हैं, फुल टू एक्शन में आ रखे हैं। I am just very excited about the future. Future is bright. काफी bright. मतलब अभी जितना मैं bright हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा bright. नई video कब आएगी? Shout out दे दे उकार, उसी के लिए कह रहे हैं I'm very excited. मैं अभी भी तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता हूँ जब तक हम वैसे बता देता हूँ मैं almost we are 70% done. ठीक है, अभी जितना बनाया है उसका रिवीजन चल रहा है और जो आगे बनाना है उसकी एग्जीक्यूशन चल रही है, अभी इन प्रोसेस है लिटरली। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी अगली न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं बात करने वाला हूँ टेक्नो रुहेस चैनल के बारे में। सो गाइस, ये जो है टेक रिव्यूज करते हैं अपने चैनल पर। सो होता ही है गाइस कि टेक्नो रुहेस के ट्वीट पर जो है एक हंटर बोल के एक बंदा है जो कि रिप्लाई करता है। उस रिप्लाई में वो लिखता है कि टेक्नो रुहेस जो है वो बेसिकली जो भी अपना रिव्यू करता है वो पैसों के लिए करता है और हर स्पेसिफिकेशन को अच्छा ही बोलने लगता है, वो अपना कोई ओपिनियन देता नहीं है। तो मैं आपको ये ट्वीट पढ़ के दिखा देता हूँ गाइस। तो इसमें वो लिखते हैं व्हाई द हेल डू यू इवन नीड टू टेस्ट अ फोन फॉर just unboxing, you don't even review them, just start recording, take it out of box and slam all the specs saying this is also good and that is also good, people need opinions, those shit specs are all over internet, need time shit। और गाइस, इस ट्वीट में इस बंदे ने ये भी बोला कि टेक्नो रुहेस को अगर कोई ब्रांड ठीक से पैसे नहीं देता तो वो उस ब्रांड के बारे में जो है अपना रिव्यू अच्छा नहीं देते। सो उसके बाद हुआ ये गाइस कि टेक्नो रुहेस ने जो है इस बंदे को ब्लॉक कर दिया और फिर उसके बाद जो है इस बंदे ने एक अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर किया और फिर उसके बाद उसने एक और ट्वीट किया, उसमें वो लिखते हैं कि आई डोंट नो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, I just wrote the fact and he didn't seem to digest. You exist because companies need criticism and feedback to keep in check and we are here to keep your reviewers in check. Few people like my view and he just blocked me. So guys, क्या सोचते हो आप इस चीज के बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी न्यूज की ओर। सो मैं बात करने वाला हूँ मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। सो मिस्टर इंडियन हैकर ने एक नई वीडियो अपलोड करी है, वीडियो का टाइटल है वी मेड रियल रिमोट कंट्रोल्ड कार। और गाइज, ऐसे ही टाइप का एक सिमिलर वीडियो जो है टेक बर्नर ने भी अपने चैनल पे अपलोड किया था, आई मेड माई कार रिमोट कंट्रोल्ड। तो होता ही है गाइस कि बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो पर मिस्टर इंडियन हैकर के वीडियो पर कमेंट में जाकर जो है उन्होंने लिखा कि तुमने जो है वो टेक बर्नर के वीडियो से इस चीज को कॉपी किया है। तो उसके बाद जो है उनका एक रिएक्शन आता है गाइस, वो रिएक्शन का एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। गाइस यार, बात ऐसी है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने एक रिमोट कंट्रोल्ड
कार बनाई थी, और वो भी कोई छोटी मोटी कार नहीं, बल्कि हमने असली कार, जी हाँ बड़ी वाली कार को रिमोट से चलाकर दिखाया था। और ऐसा करने के लिए हमें पूरे 2 महीनों की मेहनत लगी। जी हाँ गाइस, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन कुछ लोग उस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि भाई ये वीडियो टेक बर्नर की कॉपी है, आपने टेक बर्नर यानी कि श्लोक भैया का कंटेंट चुराया है। मैं क्या बोलूं यार। देखो अब आप लोगों को एक चीज बताता हूं, आप लोग सच में बहुत भोले हो। जी हाँ गाइस, बहुत भोले हो। और आप लोगों के अंदर एक छोटी सी कमी है, आप लोग क्या करते हो कि आप लोग किसी भी क्रिएटर की वीडियो को पूरा नहीं देखते हो और अपना डिसीजन ले लेते हो। भाई टेक बर्नर की वो जो वीडियो थी ना, वो 1 अप्रैल को अपलोड हुई थी। जी हाँ गाइस, और वो वीडियो पूरी तरीके से 1 अप्रैल फुल वीडियो थी। उस वीडियो के अंदर वो जो कार थी ना, वो सच में रिमोट से नहीं चल रही थी। जी हाँ गाइस, नहीं चल रही थी। और श्लोक भैया ने वीडियो के लास्ट में बताया भी था कि ये सिर्फ एक मजाक है, ये 1 अप्रैल फुल वीडियो है। फर्स्ट अप्रैल के हिसाब से बहुत हो गया भाई, अब और नहीं करते। भाई ऐसे ही कोई एक दो चिप घुसोड़ देने से कार रिमोट से नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग उल्टा हमें ही चोर बता रहे थे। गाइस यार देखो, किसी से हेट करो, लेकिन इतना भी मत करो यार कि आप सही को गलत बताने लग जाओ। सो गाइज, ये थी अभी तक की सारी अपडेट्स। और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और घंटी जरूर दबा देना गाइज, ताकि जब भी कोई वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन पैनल पे वो दिख जाए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो पर।